ओम वक्रतुंड महागाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है, कैसे आपके जीवन में ग्रहों का खेल आपको प्रभावित कर सकता है और कैसे आप छोटी छोटी वास्तु टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, कैसे आपके जीवन में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान। कई बार प्रश्न होते हैं ना, हमारे जीवन में कई कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। सपने देख लेते हैं, हम मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, अरे क्या होगा, चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ, आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से दूंगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मन में चल रही जो भी बात आप हमें तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी कार्यक्रम में हम उन प्रश्नों का निदान आपको देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग। माह में करेंगे कल्याण। वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, दशमी तिथि है और बुधवार है आज। शुभ नक्षत्र के तौर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है। चंद्रमा के संबंध में बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में चल रहे थे, उसके उपरांत आगे बढ़ रहे हैं और कन्या राशि में जाने वाले हैं। शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। आज सूर्य उदय के साथ ही बड़ा शुभ मुहूर्त बन गया है, रवि नाम का योग बन गया है, पूरे दिन विद्यमान रहेगा, इसका लाभ ले सकते हैं। केवल राहुकाल से बचिएगा और राहुकाल रहेगा आज को दोपहर के समय 12:23 से लेकर 2:01 तक राहुकाल रहेगा। आज सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा ही विचित्र प्रकार का योग बनने वाला है। इस वक्त मेष राशि में जब सूर्य चल रहे होते हैं तो उच्च के होते हैं, बहुत शक्ति संपन्न होते हैं और कृतिका नक्षत्र भी उनका अपना नक्षत्र है। जिस मेष राशि में चल रहे हैं अपने नक्षत्र में भी आ रहे हैं और उस नक्षत्र में आके और शक्ति संपन्न हो जाएंगे। कृतिका नक्षत्र जो है उनका अपना नक्षत्र संबंध रखता है। केवल 3 दिन के लिए कृतिका नक्षत्र में रहने वाले, लेकिन गोचर में सूर्य जो चल रहे हैं इस वक्त राहु के साथ, वहां कष्ट का योग है। राहु नैसर्गिक दृष्टिकोण से बहुत ही ताकतवर ग्रह माना जाता है और अभी 16 मई को जो खासतौर पर ऐसा योग बनने जा रहा है जिसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है, पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, बुल्गारिया, न्यूजीलैंड, फिजी और बहुत से पैसिफिक सागर के, अटलांटिक महासागर के अंटार्कटिका में, पेरू में, चिली में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना इत्यादि, सूडान, इजिप्ट, कनाडा और मॉस्को इत्यादि क्षेत्र में, अमेरिका इत्यादि में और कई अफ्रीका के कई प्रदेशों में ये ग्रहण पड़ेगा। और साथ साथ इस ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में के साथ साथ एक और योग बन रहा है जो 3 ग्रहों राशियों में 2-2 ग्रह विद्यमान है जो दिखाते हैं साफ साफ तौर पर तूफान, भयावह प्राकृतिक आपदा की स्थिति आने वाले समय में बन सकती है, युद्ध की स्थिति बन सकती है। युद्ध चल रहा है जो वो आगे और ज़्यादा कुछ भयावह स्वरूप लग सकता है। लोगों को लगता है कि युद्ध अब खत्म होने के कगार पे है, लेकिन ये साफ साफ दिखाता है कि आने वाले समय में कुछ भयावह स्थिति पुनः बन सकती है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए विशेष तौर पर कुछ कुनीतियों को बचाने के लिए सरकारों को आश्वस्त होकर बड़े सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखाते हैं कि आने वाले समय में कुछ प्राकृतिक आपदाएँ, कुछ घटनाएँ, ऐसी गलत घटनाएं घट सकती हैं जो कष्टकारी साबित हो सकती हैं। आज की शुभ तिथि में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए एक उपाय कर लीजिए, बड़ा छोटा सा उपाय है, तिथि भी बड़ी कल्याणकारी है। 1.25 मीटर के आसपास लाल सूत में 11 गांठें बांध दीजिएगा, प्रत्येक गांठ में एक साबुत डंडी वाला पान साथ में बांध दीजिए, उसे पिरोकर एक माला के रूप में बना लीजिए। फिर उस माला को भगवान श्री गणेश को आज की शुभ तिथि में ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको समर्पित कर दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। बुद्ध सब शुद्ध शास्त्र कहता है, शास्त्रों के अनुसार से इस दिन गणेश जी की आराधना करने से, उनको दूर्वा समर्पित करने से, उनको पान सुपारी समर्पित करने से अनेक प्रकार के पूजा मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। भगवान गणेश बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन कुछ खास उपाय हैं जिनको करके आप लाभ ले सकते हैं। बुधवार के दिन मंदिर में जाकर गणेश जी की प्रतिमा पर गुड़ और दूर्वा समर्पित करने से कहा जाता है कि मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। बुधवार के दिन सफ़ेद रंग की गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर लेने मात्र से, उनकी नित्य प्रति पूजा कर लेने से घर में कल्याण के योग बन जाते हैं। गणेश जी को लाल सिंदूर से तिलक करना, सिंदूर चढ़ाना लाल रंग का, जीवन के सौभाग्य की उत्तन्नति के योग देता है। गणेश जी को तिलक करने के बाद अपने माथे पर भी उस तिलक को आशीर्वाद रूप में लगाने का प्रयास करना चाहिए, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे, समस्त विघ्न दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। मेष राशि वालों, आज कोई मित्र से सहायता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। मनोरंजन पर कुछ अधिक धन खर्च होने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आज आप किसी की बात पर गुस्सा होते दिखाई दे रहे हैं, अपने व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित करने का प्रयास कीजिएगा। पुराने मित्र से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं, पुराने मित्र लाभ दे सकते हैं। यात्रा को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रहेगा। पक्षियों को हरे मूंग की दाल का दान करना खिलाना कल्याणकारी योग बनाएगा।
माह में करेंगे कल्याण। वृक्ष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहते हुए काम करने का आपको प्रयास करें, गाड़ी सावधानी से चलाएं। आचार्य नए रास्तों से नए स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, साथ साथ सावधान रहेगा, आपकी आलोचना का होने का योग बन सकता है, आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आप उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ाएं जो आपकी मददगार के लिए गुहार करते दिखाई दे रहे हैं। आज किसी आगंतुक का आगमन, घर में आगमन होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। माह में करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय कैसा है जान लीजिए। थोड़ा चौकन्ने रहकर काम करें, क्योंकि आज आपकी कोई गलती, जो अपनी गलती कर रहा है कोई, वो आप पर थोपता दिखाई दे रहा है। सामाजिक तौर पर धार्मिक कार्यों में, किसी समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के बीच में कोई ऐसा दिखाई देता है, कोई पुराना मुद्दा फिर उभर सकता है। संतान पक्ष की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, नारंगी रंग आपको लाभ देगा। भगवान सूर्य का दर्शन करें, अर्घ्य दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। माह में करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपका ज्ञान जो है ना, ऐसा दिखाई देता है कि सामने वाले लोगों को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। निवेश करने का उचित समय रहेगा। व्यापार में विस्तार के लिए आज पार्टनर के साथ मिलकर राय करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। आज दूसरों की राय को ज़्यादा प्राथमिकता मत दीजिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। आज सामर्थ्य, खासतौर पर सामर्थ्य के अनुसार से निर्णय लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपने औकात से बाहर जाके काम करने से बचना चाहिए। आज विवाद का समाधान निकलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। भगवान शालिग्राम का पूजन करें, माखन मिश्री का उनको भोग लगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रश्न और ले लेते हैं जो ग्वालियर से आया है, श्रेया दीक्षित जी का, और उन्होंने लिखा है पामिस्ट्री के संबंध में। हृदय रेखा पर त्रिकोण का निशान होता है, उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय रेखा पर यदि त्रिकोण का निशान बन रहा है तो ये लव लाइफ को की तरफ इशारा करता है। यह निशान वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की एंट्री का संकेत भी कई बार माना जाता है। यह संकेत जीवन में अशुभ प्रभाव डालने के योग बनाता है। ऐसे जातक को ऐसा देखा गया कि 45 वर्ष के अंदर कुछ ना कुछ चोट, रोग इत्यादि के योग बनते दिखाई देते हैं। गंभीर दुर्घटना का योग बन सकता है। ऐसे में थोड़ा सावधान होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। माह में करेंगे कल्याण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ वास्तु के सरल उपाय, छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में खुशहाली उत्पन्न कर सकते हैं, मन में प्रसन्नता का उदय कर सकते हैं। घर में कई बार नेगेटिव वातावरण बन जाता है, उसका कारण होता है आपके घर में वास्तु दोष। और सुखद क्षण आपके जीवन में कैसे आए, वो निरस्ता कैसे दूर हो, छोटे से वास्तु उपाय आपके जीवन में रंग उत्पन्न करने का योग बना सकते। कहा जाता है कि एक सुख परिवार में, सुख समृद्धि परिवार के अंदर जब तक सुख ना हो तब तक जीवन में आनंद नहीं होता, और एक जहाँ तक सदस्यों में सद्भाव आपस में रहे तब तक जीवन में सब सुख रहते हैं। लेकिन रिश्तों में यदि हल्की सी भी गांठ पड़ जाती है तो परेशानी के योग बन जाते हैं। पारिवारिक कलह समस्त प्रकार के सुखों को दूर कर देते हैं। तो यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो इन वास्तु दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन सब कष्टों के पीछे कई बार वास्तु दोष भी होते हैं। ग्रह शांति, सुख समृद्धि के लिए, जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए, इन समस्त प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए छोटे छोटे वास्तु टिप्स का पालन करके आप लाभ ले सकते हैं। घर का प्रवेश द्वार, जी हाँ, घर के प्रवेश द्वार के संबंध में विशेष तौर पर ध्यान रखें। पूर्व या उत्तर दिशा में जो द्वार होता है वो सदा घर में सकारात्मक खुशियां लाने का योग बनाता है, खुशियों को आकर्षित करता है। रसोई का स्थान भी विशेष तौर पर किस स्थान पर निर्माण किया जाए, दक्षिण पूर्व का जो स्थान है वो खासतौर पर आपके जो दक्षिण पूर्व की दिशा है वो विशेष तौर पर परिवार के स्वास्थ्य के लिए रसोई बनाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिशा से सूर्य उदय होते हैं, सबसे पहली रोशनी घर में आती है। यदि अपनी वास्तु के दृष्टिकोण से इस दिशा में आप रसोई निर्माण कर पाएं घर के आरंभ में तो बहुत ही शुभ रहेगा। माह में करेंगे कल्याण। ऐसे समय में छोटे छोटे और भी बहुत सारे टिप्स हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। माह में करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों, कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। बिजनेस में थोड़ा धैर्य बनाते हुए काम करें, लेन देन का हिसाब रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और गुरु का मार्गदर्शन भी आज प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। शिवलिंग पर भगवान की उपासना करते हुए कच्चा दूध और साबुत चावल अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। माह में करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज अपनी आदतों पर काबू रखते हुए काम करने का प्रयास करें। जरूरत से ज्यादा पैसा और मनोरंजन पर पैसा खर्च ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अपने बजट पे कंट्रोल करें। आज जीवन साथी के साथ कोई बात पर मनमुटाव हो सकता है, तनाव की ओर जा सकता है जीवन। आज किसी ऐसे इंसान से भी मुलाकात हो सकती है जो भला हो, जो आपके जीवन में कल्याण के योग बना सकता है।
थोड़ा सा लंबा सफर करना पड़ सकता है, किसी समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा मैरून। जरूरतमंद कन्याओं का पूजन करें, कुछ उपहार उन्हें उपस्थित करें, उनका आशीर्वाद में कल्याण के योग बनेंगे। साथ ही हम बात करें तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देता दिखाई दे रहा है, आज सही समय पर सहायता प्राप्त होने में कोई बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं, सही समय पर सही सहायता प्राप्त होगी। कारोबार जीवन में नई दिशा देने पर विचार करते दिखाई दे रहे हैं, देर शाम को कुछ अच्छी खबर मिलने के योग भी बन सकते हैं। गैर कार जो खासतौर पर जरूरी काम है उन पर समय बर्बाद ना करें, पहले से ही पैटर्न बना लें। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। राह में चलते हुए कुछ जरूरतमंद लोग मिल जाएं तो उनको आर्थिक तौर पर सहयोग कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न ले लेते हैं जो आया है कानपुर से मैथिली शरण जी का। मैथिली शरण जी लिखती हैं, अनचाहे खर्चे से बहुत परेशान है, ना चाहते हुए भी गैर जरूरी कामों पे धन खर्च होता चला जाता है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको घर में नहीं रखना चाहिए। पर्स में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ रख लेते हैं जिनको खासतौर पर जिनके साथ पर्स में क्या रखा जाता है, लक्ष्मी जी को। और लक्ष्मी जी को किन चीज़ों के साथ रहना पसंद नहीं है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोग पर्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट कार्ड साथ लेके चलते हैं और उसके खासतौर पे उनके साथ साथ दबाव के पर्जे भी उसमें रख लेते हैं, चाबी भी वहीं रख लेते हैं, लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी वहीं रखते हैं और खासतौर पे उसके साथ गैर जरूरी सामान भी उसमें रख लेते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। कुछ अनचाहे खासतौर पे ये जो सामान है ना आपके जीवन में परेशानी का उत्पन्न कर देते हैं, इन सबको घर से वहाँ से निकालने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो पर्स को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए। पर्स में रुपए के बजाय खासतौर पर रुपए के अलावा कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर रखना है तो पर्स में एक चांदी का एक टुकड़ा सिद्ध करवा के यदि लक्ष्मी यंत्र के रूप में रखेंगे तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपके खर्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, खर्चों को नियंत्रण करने में लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा उपाय एक और करने का प्रयास कीजिए। दूसरे उपाय के तौर पर अपने घर के अनाज के भंडार से 11 साबुत चावल के दाने ले लीजिए और उन्हें अपने पर्स में रखने का प्रयास कीजिए। मामे करेंगे कल्याण। आज हम आपको कुछ टिप्स दे रहे थे कार्यक्रम के बीच में जो वास्तु से संबंधित थी। ब्रह्मस्थान भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान होता है, घर का सेंटर पार्ट जो है ब्रह्मस्थान, विशेष तौर पर उसमें फर्नीचर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह स्थान बड़ा शक्तिशाली और खासतौर पर सामर्थ्य और विशेष तौर पर सकारात्मक एनर्जी को उत्पन्न करने वाला क्षेत्र माना जाता है। इस स्थान के संपर्क में आने से व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है, तो बहुत भारी सामान इसमें ना रखें। खिड़कियां जो घर की हों उनको कैसे रखें, घर की पूर्व भाग की जो खिड़कियां हैं वो अधिकतम संख्या में होनी चाहिए और जबकि घर की पश्चिम भाग की जो खिड़कियां हैं वो न्यूनतम संख्या में होनी चाहिए। दरवाजों का भी बड़ा विशेष तौर पर वास्तु के अनुसार से महत्व होता है। शास्त्र के अनुसार से कहा गया है कि घर के दरवाजों और खिड़कियों की सम संख्या में होना खासतौर पर प्राकृतिक तत्वों के बीच में संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आसानी से बहुत सारे धन को इकट्ठा करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आज दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीतता दिखाई दे रहा है लेकिन गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतिएगा। नए कारोबार के सिलसिले में विचार विमर्श होते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। ओम गंग गणपतय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। स्वप्न विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। अलवर जिले से महेश चंद अवाना जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने सपने में एक मशीन देखी और जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में एक मशीन का दिखना, यंत्र का दिखना शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कई प्रकार के आर्थिक कष्ट उठाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, सावधान हो जाए। मामे करेंगे कल्याण। गाजियाबाद से रणजीत कोठारी जी का एक प्रश्न और आ गया है। उन्होंने सपने में एक बतख को देखा। डक को देखना क्या संकेत दिखाता है जान लीजिए। देखिए, सपने में बतख का दिखना 2 अर्थ निकलते हैं। अगर बतख पानी में तैर रही थी तो शुभ संकेत है, धन आने के योग बनेंगे। जबकि यदि सपने में बतख जमीन पर चलते हुए देखेंगे तो हानि होने के योग है। मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आनंद से भरा रहेगा, आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है। आमदनी के लिए कुछ नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। अनचाहे तनाव से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। धार्मिक क्रियाकलापों में थोड़ी रुचि बढ़ेगी। विकल्प आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं जिनकी तलाश में आप हैं। शुभ रंग आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। शिव को बिल्वपत्र समर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज वाद विवाद आपके जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं, उनको नजरअंदाज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा आप पर हावी हो सकती है, उनको बढ़ाइए मत। आप वाद विवादों को उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए। मित्रों की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तनाव बढ़ाने में खासतौर पर सहायक ना सिद्ध हो इस बात का ध्यान रखें, तनाव को दूर करने का आपको प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा रहेगा। गायत्री मंत्र का जप करें, कल्याण के लिए।
मामे करेंगे कलन। हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की जो हमारे पास आया है बिजनौर से कार्तिक राणा जी का। उन्होंने लिखा है अपनी समस्या के बारे में कि आंखों में खुजली बनी रहती है, जानना चाहते हैं उपाय क्या करें। देखिए सबसे पहले तो इस प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको करना चाहिए। नेत्रेंद्रिय संबंधी समस्याओं को दूर करने में ये मुद्रा अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। साथ साथ अपनी आंखों को वॉश करने का तरीका समझ लीजिए। जब भी कोई स्ट्रेस वाला काम करें, टीवी देखें, मोबाइल पे काम करें, कंप्यूटर पे काम करें, कोई पढ़ने का काम कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आंखों को रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने के बाद थोड़ा मुंह में पानी भरें और फिर आंखों पे छींटे लगाएं और उस पानी को कुल्ला कर दें। बिना मुंह में पानी भरे आंखें ना धोएं, अन्यथा ये समस्या ठीक नहीं होगी, बढ़ेगी। मामे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आप दूसरों पर कुछ ज्यादा धन खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। मित्र आपके लिए सुकून और खुशियां लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। घरेलू मोर्चे पर आप थोड़े परेशान रहते दिखाई दे रहे हैं। सामंजस्य बैठाकर काम करिए, सब ठीक होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। 3 फलों का मंदिर में दान करें, जो हरे फलों उनको दान कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आप तयशुदा बजट से दूर ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। आज घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों से अच्छे से राय कर लीजिए, उनकी बात जान लीजिए। आज परिवार के साथ खरीदारी करने जाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े खर्चे आपको तनाव ग्रसित कर सकते हैं, बजट का ख्याल रखें। शुभ अंक आपके लिए ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रहेगा आज 3 और शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। देवस्थान पर भगवान शंकर की पूजा करते हुए आज बिल्वपत्र का खासतौर पर एक पेड़ का रोपण करें। बिल्वपत्र के छोटे पौधे को किसी देवस्थान में लगाइए, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। मामे करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं हेल्दी टिप की। देखिए हीट वेव चल रही है, गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा आज परेशान कर रही हैं पूरे उत्तर भारत के अंदर, उसका ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। मौसम अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे धूप इतनी प्रचंड हो गई है दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हीट स्ट्रोक बहुत वृहद रूप से लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ खास टिप्स आज हम आपको बताने वाले हैं, जिनको आप अपना कर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक ध्यान रखें, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। आमतौर पर जो लू लगती है वो हीट स्ट्रोक की समस्या होती है, उनको ज़्यादा होती है जो खाली पेट घर से निकलते हैं। तो जिसको लू लगती है उससे बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, चेहरे इत्यादि को ढकें, खाली पेट घर से ना निकलें, पानी पूरा पी के घर से बाहर निकलें। कई बार आप क्या करते हैं, गर्मी से आए और गर्मी से आते ही हम पानी पी लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि एकदम सर्द गर्म हो जाता है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एकदम आते ही फ्रिज से निकालते ही गर्म पानी ना लें, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। और अन्यथा लू बहुत परेशान कर सकती है, किसी छाया वाले स्थान पर बैठने का प्रयास कीजिए। घर से बाहर निकलते समय छाता, टोपी, तौलिया इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी नाक की 2 नॉस्ट्रल्स हैं, सीधी और उल्टी। सीधी जो नाक है वो गर्म होती है, उल्टी नाक जो है वो ठंडी होती है। एक काम करें, आप जब भी दोपहर के समय मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो सीधी नाक को थोड़ी देर बंद करें, उल्टी नाक से सांस इस प्रकार से, यानी सीधी नाक को बंद करने के बाद उल्टी नाक से सांस ऐसे लें, क्या होगा आपका ये स्वर चालू हो जाएगा, फिर आप जाएंगे तो आपको लू नहीं लगेगी। साथ साथ आप अच्छी जो ड्रिंक्स हैं, अंबिका जो खासतौर आप जिसको कच्ची अंबिका जो गर्म वो जल होता है उसको लेने का प्रयास करें, जिसको अंबिका पन्ना बोला जाता है उसको लेने का प्रयास कीजिए। प्याज का सेवन आप कर सकते हैं, तामसिक आहार माना जाता है, जो सेवन कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। और साथ साथ काले नीले जो गहरे रंग के कपड़े हैं उनको ना पहने, सूती कपड़े वस्त्र धारण करने का प्रयास कीजिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको अपना कर आप इस लू से बच सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब समय आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और अब बहुत सारे रहस्यों की बात आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्।